पाँच दस मिनट पहले हम दुबई में थे, अभी हम आ गए इंग्लैंड में। कैरी ऑन जट्टा जो बनी थी ना, वो भी इंग्लैंड इसी वाले में बनी थी। देखे सामने खड़ा है, शायद मुझे फोन कर रहा है। यहाँ बैठे गाड़ी में, पाकिस्तानी मिले। अस्सलामु अलैकुम एंड जुमा मुबारक। तो यार बड़े अरसे बाद आज एक दोस्त से मुलाकात करने जा रहा हूँ। बेसिकली वो पाकिस्तान होता है और उसकी जॉब हो गई है, पिछले वीक वो दुबई आ गया है। और मैं अब जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन एक माह हो गया शारजा में, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि यार मैं मिलने आऊँगा इंशाल्लाह फ्राइडे को। आज फ्राइडे है तो अभी हम दोस्त को पिक करने जा रहे हैं। और साथ ही आपको एक और चीज़ चेक करवानी है, दुबई इंटरनेशनल सिटी। बेसिकली ये जो सिटी है ना, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज जो है उनको रिप्रेजेंट किया है। और सुनने में आ रहा है कि भी बड़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। जो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं दुबई में बैठे हुए हैं, या फ्रांस जाना चाहते हैं ना, तो वो अगर यहाँ पे हैं तो वहाँ जाके वो वहाँ जा सकते हैं। मेरा मतलब है कि वैसे ही आपको जो है ना वहाँ पे वाइब्स आएंगी, फील आएगी, क्योंकि उस तर्ज पे उन्होंने वो चीज़ें जो है वहाँ पे बनाई हुई हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, भाई मेरे साथ हैं फैसल भाई, साजिद भाई और भाई अली। तो दोस्त को पिक करना है और आपको वो वाली चीज़ भी चेक करवानी है, तो हमारे साथ आपने रहना है। अगर वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर लें। चलिए चलते हैं। अच्छा ये शारजा एंड हो रहा है और दुबई स्टार्ट हो रहा है। ये सामने जो आपको पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं ना, ये बेसिकली भाई पहाड़ियाँ, ये क्या चीज़ है ये? नहीं नहीं, ये पहाड़ियाँ नहीं है, जितना भी वेस्टेज है ना यहाँ का, हाँ हाँ, वो इसके पीछे इसको डिस्पोज करते हैं। अच्छा, उसने बड़ा जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं लग ऐसा रहा जैसे यहाँ से पहाड़ियों वाला जो एक एरिया होता है ना वो शुरू हो जाता है, जैसे हमारे मार्गला हिल शुरू हो जाती है, इस्लामाबाद एंटर होते हैं। तो भाई जान वो देखे अब आपको पूरी खलीफा नजर आना शुरू हो गया। ये दुबई में एंट्री हो गई है हमारी। तो भाई जान इंटरनेशनल सिटी जो है ना स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये अब जो है उसका एंट्रेंस है। अच्छा ये जो सामने अब आप देख रहे हैं ना, ये ड्रैगन मार्ट है। अगर आप मतलब सिटी इंटरनेशनल सिटी है ना यहाँ पे दुबई में और आपने परचेजिंग करनी है, तो ये ड्रैगन मार्ट जो है बड़ा फेमस मार्ट है यहाँ पे। तो यार उसको पता नहीं है, वो देखे सामने खड़ा है, शायद मुझे फ़ोन कर रहा है। हेलो सर जी। अस्सलामुअलैकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मुजम्मल भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत चंगा महसूस कर रहे हैं। चले आप बैठे गाड़ी में, फिर पाकिस्तानी मिले। इटली रशियन यूके इन दे विच रह रहे के उदा दे हो गए। तो यार दुबई इंटरनेशनल सिटी 2002 में बनना शुरू हुआ। यहाँ पे टोटल 10 कंट्रीज के क्लस्टर हैं, उनमें से कुछ कंट्री के क्लस्टर जो है मैं आज आपको इस वीडियो में चेक करवाऊंगा। मेरी बैक पे जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये इस टाइम हम मौजूद हैं रशिया के ब्लॉक्स में। रशिया के क्लस्टर्स में टोटल 34 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें आपको वन बेड अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जिम, स्टूडियोस और साइकिलिंग के लिए अलग एरिया और पार्क्स वगैरह भी मिलते हैं। और अभी मैं एंटर होने लगा हूँ इंग्लैंड में, आपको चेक करवाता हूँ इंग्लैंड की जो बिल्डिंग्स हैं और आर्किटेक्ट है वो किस तरह का है। रशिया का आप लोगों ने देख लिया, अब एंटर हो रहे हैं इंग्लैंड में। फैसल भाई आप कहाँ पे जाना चाहते थे लाइफ में? लाइफ में मैं जाना चाहता हूँ यूके। ये सामने इटली है, बैग पे मेरे रशिया, तो अभी भाई को लेके जा रहे हैं हम इंग्लैंड में। आज तो यार हम पहुंच गए हैं तकरीबन इंग्लैंड के बॉर्डर पे। भाई की एक्साइटमेंट आप चेक कर सकते हैं। पाँच दस मिनट पहले हम दुबई में थे, अभी हम आ गए इंग्लैंड में। तो फैसल भाई आप फिर अब जा सकते हैं, बॉर्डर जरा ध्यान से क्रॉस करना, मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक थी। सोचा था। तो यार ये देखें जी, ये अब जो आ गया ना इंग्लैंड आ गया। क्या देखें खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है ना ये सारा एरिया डिज़ाइन किया हुआ है। ये सामने देख रहे हैं ना जो आप लोग बंदे, ये भी इंग्लैंड के ही हैं, समझ सिर्फ हम ही यहाँ पे आए। इंग्लैंड का क्लस्टर जो है रशिया के क्लस्टर से थोड़ा लार्ज है। यहाँ पे टोटल 58 बिल्डिंग हैं और हर बिल्डिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट और अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा मैं ये देख रहा था, मैं सोच रहा था कि एक ही जगह पे आपको हर कंट्री मिल रहा है, रशिया भी देखा है, इटली भी देखा है, इंग्लैंड भी देखा है। तो मतलब फिर मुझे जहन में आया कि ये जो जिस तरह फिल्म जो बनती है, मतलब ये फिल्में जो बनाते हैं शूट करते हैं जाके, तो वो फिर इस तरह की जगह तो नहीं होती, क्या ख्याल है? मिक्स मैच होता है मोस्टली, ऐसी जगहों पे ही होती हैं जहाँ पे आपको टोटली माहौल इंग्लैंड वाला। हाँ मुझे लग रहा है कैरी ऑन जट्टा जो बनी थी ना, वो भी इंग्लैंड इसी वाले में बनी थी। यार पता ही नहीं चलता यहाँ पे आके, आप लोग देखें सही, इंग्लैंड की फील आ रही है बिल्कुल। और हत्ता कि मैं कभी इंग्लैंड गया नहीं हूँ सच बताऊँ तो, लेकिन भाई को शौक था, हम यहाँ पे इनकी खातर आए हैं।
वक्त हम मौजूद हैं इटली में। इटली का जो क्लस्टर है ये बाकी दोनों क्लस्टर से थोड़ा छोटा है। यहाँ पे आपको 24 बिल्डिंग्स मिलेंगी जिसमें मोस्टली आपको सिंगल बेड अपार्टमेंट मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ पे आपको ऑफिसेस भी मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर सिंगल रूम अपार्टमेंट्स हैं और ग्राउंड फ्लोर पर आपको शॉप्स और रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बेसिकली चाइना का क्लस्टर है और चाइना का क्लस्टर मैंने जो नोट किया बाकी सब क्लस्टर से ज़्यादा बड़ा था, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग है। अब एग्जैक्ट कितने अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग है इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स मिलेंगे जिसमें आपके पास सिंगल बेडरूम और टू बेडरूम्स वाले अपार्टमेंट भी मौजूद हैं। तो यार चार क्लस्टर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की और मैंने आपको उनकी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स भी चेक करवाए। बाकी क्लस्टर्स के नाम मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ। तो उम्मीद करते हैं यार ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिए। इंटरनेशनल सिटी का ब्लॉग जो था वो यहाँ पे एंड करते हैं।